महाभारत युद्ध के बाद अर्जुन की पत्नी सुभद्रा आखिर कहां गायब हो गई? क्या सुभद्रा आज भी जीवित है? भगवान श्री कृष्ण की बहन, जिसका बहुत बड़ा योगदान महाभारत के युद्ध में था, आखिर युद्ध के बाद वो कहां चली गई? दोस्तों, पांडवों की पत्नी द्रौपदी के बारे में तो सभी लोग जानते ही हैं कि युद्ध के बाद वे स्वर्ग गमन कर गई थी, लेकिन अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के बारे में कोई नहीं जानता कि महाभारत के बाद उनका क्या हुआ। यहाँ तक आप वीडियो में आए हो तो आप सनातन धर्म के बारे में जानने के लिए इच्छुक हो, मैं आपका इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में भगवान श्री कृष्ण और बलराम की बहन, अर्जुन की पत्नी और वीर अभिमन्यु की माता सुभद्रा, जिसने महाभारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम रोहिणी था। वासुदेव और देवकी की आठवीं संतान भगवान श्री कृष्ण का जन्म होते ही वासुदेव उन्हें रात्रि के समय गोकुल में अपने भाई नंद को सौंप आए थे। वह बदले में नंद की नवजात पुत्री को ले आए थे ताकि कंस को यह भ्रम हो सके कि उनकी आठवीं संतान एक कन्या है। बाद में कंस द्वारा कन्या के वध का प्रयास करने पर कन्या योगमाया के रूप में प्रकट होकर अंतर्ध्यान हो गई और बाद में सुभद्रा के नाम से पहचानी जाने लगी। एक कथा के अनुसार रैवतक नाम पर्वत पर एक आयोजन किया गया। इस आयोजन को एक उत्सव की तरह आयोजित किया गया। कई शूरवीर भी इस आयोजन में आए। श्री कृष्ण और अर्जुन भी इस आयोजन का आनंद उठाने पहुंचे। वहां पर सुभद्रा भी मौजूद थी। अर्जुन सुभद्रा को देखकर मोहित हो गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के भाव को समझ गए। तब उन्होंने कहा कि सुभद्रा विवाह के लिए इनकार भी कर सकती है। ऐसी स्थिति में उन्होंने अर्जुन को सुभद्रा का हरण करने के विकल्प के बारे में भी बताया। अर्जुन ने ऐसा ही किया। अर्जुन ने सुभद्रा का बलपूर्वक हरण कर लिया। इस घटना से हड़कंप मच गया, लेकिन श्री कृष्ण शांत रहे। इस पर बलराम को शक हुआ और भगवान श्री कृष्ण से इस शांति का अर्थ पूछा। तब श्री कृष्ण ने उन्हें विनम्रता से समझाया। श्री कृष्ण ने बताया कि अर्जुन को कोई पराजित नहीं कर सकता है। अर्जुन का कुल भी उत्तम है, इस दृष्टि से सुभद्रा और अर्जुन के विवाह में कोई दोष नहीं है, इसलिए युद्ध का विचार त्याग देना चाहिए और अर्जुन के पास जाकर स्वयं ही सुभद्रा को दे देना चाहिए, क्योंकि अर्जुन सुभद्रा को यदि हस्तिनापुर ले गए तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। श्री कृष्ण की यह बात सभी के समझ में आ गई और स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके बाद द्वारका में सुभद्रा का विवाह संपन्न कराया गया। उसके बाद उन्हें प्राप्ति होती है वीर अभिमन्यु की। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर महाभारत के युद्ध के बाद सुभद्रा का क्या हुआ? वीर अभिमन्यु तो वीर गति को प्राप्त हुए, साथ ही अर्जुन कुछ वर्षों बाद ही स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए, तो उसके बाद आखिर हुआ तो हुआ क्या? चलिए विस्तार से जानते हैं। युद्ध के पश्चात केवल 5 पांडव और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित ही बचे थे। गांधारी के श्राप के कारण सभी यदुवंशियों का विनाश हो चुका था और श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया था, जिससे दुखी होकर 5 पांडव द्रौपदी के साथ संन्यास लेकर हिमालय चले गए। सभी भाइयों के साथ संन्यास लेकर जाने से पहले युधिष्ठिर ने परीक्षित को राजा बनाकर हस्तिनापुर का राज्य सौंप दिया और वीर अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित के सिंहासन पर बैठने के बाद सभी स्वर्ग के लिए प्रस्थान करने लगे। युधिष्ठिर ने दोनों राज्यों हस्तिनापुर को अपने पोतों को शासित करने के लिए दे दिया। महाभारत महाकाव्य में सुभद्रा की मृत्यु कैसे हुई, इस बात के प्रमाण तो नहीं मिलते, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जब पांडव द्रौपदी समेत स्वर्ग के लिए प्रस्थान कर गए थे और उसके बाद सुभद्रा और उनकी बहू यानी कि उत्तरा अपना शेष जीवन बिताने के लिए जंगल में चले गए थे, वहीं जब उन्होंने सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने देह त्याग दिया है और यादवों का विनाश हो चुका है, तब उसके बाद सुभद्रा ने भी अपना देह त्याग दिया था। राजा परीक्षित ने बहुत समय तक न्यायपूर्वक राज्य किया। बाद में तक्षक नाग के डसने पर उनकी भी मृत्यु हुई। सुभद्रा अपने भाइयों की एकमात्र प्रिय बहन थी, जो बाद में जगन्नाथपुरी मंदिर में दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम के बीच स्थित है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।